और इनका आपकी माता जी का सीवियर है, इतने सेम प्रॉब्लम, सब कुछ सेम, फ्लैट फुट, ठीक है, वो वही हाई, जब दो मिनट पहले खड़ी होंगी हाई लगेगा, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा पूरा फ्लैट हो जाएगा, और ये जो सूजन बोलती है वो सूजन नहीं है, वो सीवियर प्रोनेशन है। और ये पूरा का पूरा जेनेटिक प्रॉब्लम फैमिली में चल रहा है। अच्छा। दवाइयां खा के ये अपना गुजारा कर रही हैं। तुम अभी से ही टेढ़ी लेटने लग गई हो। अब सीधा कर दिया मैंने। रोती भी है। रिलैक्स, इजी रिलैक्स करो। नहीं नहीं ऐसे ज्यादा अच्छा है। रिलैक्स, लंबी सांस, ब्रीथ आउट, छोड़ो छोड़ो, टर्न टर्न करो मेरी तरफ। क्रॉस कर लो, इजी उस तरफ, थोड़ा भी है इसको मोड़ लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे। देखो कितना अटका हुआ था, सीधा लेटेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। फील हुआ? छोड़ दो, वाला हाथ रिलैक्स, इजी इजी, अब बैठ के अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्या नाम है, क्यों आए हो, और आपका ये जो डर था ये कैसा डर था, हाँ? कैसा फील हो रहा है? बेटर। डरने वाली कोई चीज थी इसमें? नहीं, नहीं ना, बट जिस जो साउंड सुनेगा वो साउंड सुन रहा है माइक की वजह से, है ना, तो वो एम्पलीफाइड है ना, और ज्यादा एनहांस किए हुए साउंड है, तो बट इतने ही लाउड थे, बट वो ज्यादा क्लियर वॉइस है, तो जब वो कोई कट से सुनेगा वो ज्यादा डिफरेंट वे में सुनेगा, बट है तो लाउड ही ना। तो बोलो तो सही, मैं ही बोलते रहूंगा। क्या बोलना था? कुछ भी बोलना था, स्क्रिप्ट नहीं है ना, विदाउट स्क्रिप्ट। एक्सपीरियंस बताइए। नहीं बस मैं जब आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बट आई थिंक आई एम फीलिंग बेटर, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी तो मुझे इतना बैक पेन, अभी भी मुझे लेटे हुए हो रहा था, कपिंग वर्क कर रहा था, बट अभी बेटर लग रहा है। चल के देखो, खुला लग रहा है ना। सो व्यूअर्स, मैंने भावना का पहले फोटो असेसमेंट किया था, फीमेल्स का हम जनरली फोटो असेसमेंट करते हैं, इनके केस में हाई टू लो आर्च था और प्रोनेशन स्टार्ट ही हुआ है, तो हमने सजेस्ट किया है कि ये इंसोल बनवाएं। जब इनकी मम्मी का चेक किया, मम्मी को सीवियर प्रोनेशन है, और जो प्रोनेशन नहीं जानते तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, या समझ लीजिए कि जब एंकल मोटा हो जाता है, अंदर रोटेट करता है, जिसको फीमेल स्वेलिंग समझती हैं, पाँव में दर्द रहता है, दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो मत खाइए, कस्टमाइज इंसोल बनवाइए, वही इलाज है, दवाइयाँ इलाज नहीं है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट पूछें। थैंक यू।